हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं किचन में आ गई हूँ। और ये जो किचन का जो चूल्हे का जो प्लेट है, ये मैं रोज धुलवाती हूँ। सुबह में तो वो बस ऐसे पोछ देती है, लेकिन शाम में वो बर्तन के साथ ये धो देती है, तो धो के चल जाती है, तो मैं इसे वापस लगा देती हूँ। और अभी मैं दूध उबाल रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो पहले से दूध उबाल कर और चाय बनाइए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे कच्चे दूध में चाय अच्छा नहीं लगता है। तो मैं दूध उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर ये जो सुबह का दूध है, उसको मैं कार्तिक के लिए गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो दूध है इस टाइम वाली, उसे मैं उबालूँगी, फिर ठंडा करूँगी, तब वो पिएगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसके लिए जो दूध है वो मैं हल्का गर्म करके और उसको मैं दे दूँगी। और कार्तिक के दूध में जो है वो एक ज़रा भी मलाई नहीं चाहिए होता है उसको, तो इसलिए मैं उसे छन्नी से छान ले रही हूँ ताकि जो भी मलाई है वो निकल जाए। तो उसके देखिए कितना सारा मलाई निकला है। और उसके बाद फिर ऐसे तो मैं हमेशा निकाल कर रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी दूध है कि दो बार तीन बार गर्म होता है तो फिर मलाई नहीं निकल पाता है। और फिर इसके दूध में मैं इसे आज बॉर्नविटा वाला दूध पिलाऊंगी, और इसमें मैं थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर मिला कर दे रही हूँ और बॉर्नविटा। तो इसका दूध जो है वो बन गया है। इसका दूध तैयार हो गया है। और देखिए मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं, और कार्तिक जो है उसे वो भी इसे साथ साथ में खिलाता है। और जब तक ये इसे खिला रहा है तब तक मैं चाय पी ले रही हूँ। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। मैं सुबह उठकर ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाती हूँ, तो नहीं बनाई थी, मैं लंच पैक कर ली थी। तो कार्तिक स्कूल चला गया था और उसके बाद फिर हस्बैंड भी चले गए थे पढ़ाने। और फिर क्या हुआ कि कपड़े थे आज, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो मैं ये तीसरी बार मैं धो रही हूँ, अभी तक भूले नहीं हैं। तो कुछ कपड़े एक बस लास्ट बार के बचे हुए हैं, तो वो कपड़े मैं धुल रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं कपड़े अभी धुल रही हूँ। कपड़े धुलते धुलते मुझे 9:45 हो गए थे। ये आज मौसम बहुत अच्छा है और धूप बहुत अच्छा निकला है, इतना बढ़िया धूप निकला है। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसको भी मैं नहला ही देती हूँ। तो मैं 10 बजे के लगभग नहला दी। पैसे भी 10 बजे मैं कभी नहलाती नहीं हूँ बाबू को, तो मैं 10 बजे इसको नहला दी। और इसको नहलाने के बाद मालिश कर दी तो ये बड़े आराम से सो गया। और उसके बाद फिर मुझे भी टाइम मिल गया, तो मैं भी उनकी चलो सो रहा है तो फटाफट मैं भी नहा ली। और नहा के मैं तैयार हो गई हूँ, और मैं नहा ही रही थी कि इसकी आवाज़ सुनाई दी मुझे। तो ये जग गया है,
मैं फटाफट नहा कर निकली और तब तक ये जग गए थे, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और अभी हो रहा है 11:43, कितने टाइम, लगभग 20-25 मिनट के लगभग ये सोया है। और वैसे भी बच्चों को नहला दीजिए, मालिश कर दीजिए, नहला दीजिए तो खूब बढ़िया नींद आती है। हम लोग को भी नींद आती है, तो बच्चे तो बच्चे ही हैं। और अभी जग गया है और कार्तिक का अब लास्ट एग्जाम बचा है, एक और एग्जाम है, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि कार्तिक रहता है तो इसको संभाल लेता है। इसको चाहिए एक साथ में कोई रहे, जगे हुए रहे, और इसे इधर से उधर घुमाते रहे, इसके साथ खेलते रहे, बातें करते रहे, इसे ऐसे लोग चाहिए। तो कार्तिक है, इसे इसके साथ खेलता भी है और इसको घुमाता भी है। मैं स्ट्रॉलर में डाल देती हूँ तो वो इसे घुमाता भी है। तो मेरा काम सारा अच्छे से हो जाता है, लेकिन कार्तिक जब स्कूल रहता है तो फिर मेरा काम होता है बट वो टाइम लग जाता है। और अभी मैं दिखाती हूँ कि ये कितने मजे से बैठ के क्या कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। वैसे आज मौसम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब मेरे बच्चे के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने दिन से ही गर्मी ठंड हो रही थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, इसलिए क्योंकि बाबू को थोड़ा सा ओपन मैं छोड़ सकती हूँ, और नहीं तो ऐसा है कि तुरंत स्वेटर पहनाइए, इनर पहनाइए, कपड़े पहनाइए, हीटर चलाइए, सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में बच्चों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती थी, तो सर्दी जुकाम, और गर्मी में आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलेगा, तो मैं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा धूप मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं दिखाती हूँ इसको, ये कितने मजे से बैठे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और अभी कार्तिक आता है तो उसको देख करके ये उछलने लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि वो उछल करके मतलब स्ट्रॉलर से बाहर आ जाएगा, जैसे उसको देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है। हाँ हाय, क्या क्या क्या। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड दोपहर में आज खाने के लिए आएंगे, लेकिन वो फोन किए कि वो खाने के लिए आने वाले हैं, तो मैं अब दाल चावल बनाने जा रही हूँ। अगर वो नहीं आते तो फिर हम लोग रोटी ही खा लेते, लेकिन अब उनको दिन में एक बार सुबह दोपहर के टाइम में चावल खाते हैं, तो दाल चावल अभी मैं बनाने जा रही हूँ। सब्जी तो सुबह ही बन गई थी तो बस अभी दाल चावल चढ़ाती हूँ फिर आगे। अभी मैं चावल चढ़ाने के बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। बेटू बेटू, नहाने के बाद ये सीधे सो गया था, इसलिए मैं इसके बाल को कंघी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं इसके बाल को अभी कंघी कर ले रही हूँ। अभी ये जगह है, उसको नहाने के बाद इतनी तेज नींद आई, तुरंत सो गया था नहाने के बाद, तो मैं इसके बाल को कंघी कर रही हूँ। बच्चों के बाल में ना सर में यहाँ पे पपड़ी जम जाते हैं, पपड़ी मतलब वो डेड स्किन होते हैं, तो इसके बाल में भी थोड़ा थोड़ा हो गया था,
विंटर में, तो सीधा हो जा, विंटर में इसके बाल में हो गए थे, तो उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है कि आप जब बच्चे के सर में तेल लगाते हैं तो बहुत सारा तेल लगा दीजिए, तो ये फूल जाएगा। जब ये फूल जाता है तो फिर इस कंघे से एकदम हल्के हल्के हाथों से, अरे 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 मैं बता रही हूँ रुको, तो ऐसा करके ऐसे 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 अगर कंघे करेंगे तो सारा जो पपड़ी है वो आ जाएगा कंघी पे, और बच्चे को इससे परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अगर वो फूला रहता है तो तुरंत निकल जाता है एकदम इजली वे में। बस खाली ऐसे ऐसे कंघी घुमाते रहिए, यहाँ पर खासकर यहाँ पे हो जाता है, इसका भी हो गया था यहाँ पर, लेकिन अब बिल्कुल साफ है, और उसकी वजह से क्या होता है बाल झड़ने लगते हैं, और अगर नहीं निकल रहा है तो जबरदस्ती मत निकालिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये ब्लड भी आ सकते हैं, हल्का हल्का छिल भी सकता है, तो इसकी वजह से नहीं निकल रहा है तो नहीं निकालिएगा। हाँ, तेल से ये खुल जाता है बहुत आसानी से, निकल आसानी से जाता है, लेकिन अगर कभी नहीं खुला होता है तो निकालने में थोड़ी परेशानी होती है। हाँ हेलो, हाँ। और ये जो कंघी है ना ये बहुत सॉफ्ट है, और इसमें इस तरीके से ये कॉम्ब बने हुए हैं, ये देखिए, तो इससे, और इसके साथ ना ये दो कंघी आया था, ये दो कंघी आया था, इस कंघे से भी बहुत अच्छे से बाल बनते हैं। तो जब इसके पापा बाल बनाते हैं तो इस कंघे से बनाते हैं इसका बाल, क्योंकि उन्हें ये ज्यादा पसंद है, और जब मैं बनाती हूँ तो इससे बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी थोड़ा बहुत अगर पपड़ी आ भी रहा है, देखिए इसमें जैसे थोड़ा सा पता नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं ये थोड़ा थोड़ा जो है, तो अगर आ भी रहा है तो ये निकल जाते हैं। और ये देखिए इनका स्टाइल, ये यहाँ पे पैर ऐसे निकाल के बैठे रहेंगे की, हाँ की भैया कहाँ, स्कूल जाओगे, स्कूल स्कूल जाओगे बोलू, हाँ बेटू स्कूल जाओगे, स्कूल लाला। तो ये दो कंघी का सेट आया था, और बहुत बढ़िया कंघी है, नमस्ते जी, नमस्ते।